नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। मॉनसून सत्र में छाया रहा वित्तीय बदहाली का मुद्दा, मस्जिद विवाद। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे 11 दिन के मॉनसून सत्र में वित्तीय बदहाली और मस्जिद विवाद हावी रहे। इस सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही ज्यादातर वक्त एक दूसरे पर हमलावर रुख में रहे। मंत्रियों के घिरने पर मुख्यमंत्री बार बार खुद जवाब देने के लिए उठते रहे, उनकी ढाल बने रहे। वहीं विपक्षी विधायकों की ओर से सबसे अधिक मुखर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद रहे। जयराम जहां हर विषय पर तीर छोड़ते तो सीएम सुक्कू विपक्ष के हर बाण को काटते नजर आए। सदन में दो बड़े मुद्दे, कर्मचारी और पेंशनरों को समय पर वेतन पेंशन न देना और संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण बने। पहले से ही सरकार को आर्थिक कुप्रबंधन पर घेरती रही भाजपा को बैठक के बीच बड़ा मुद्दा मिल गया। जब सरकार 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन न दे सकी। आलू की तरह अब बाजार में एप्पल चिप्स भी मिलेंगे, इतनी होगी कीमत, बागवानों की आय होगी दोगुना। आलू के चिप्स की तरह बाजार में अब लोगों को एप्पल चिप्स भी मिलेंगे। सेब के चिप्स से बागवानों की आय दोगुना होगी। डॉक्टर वाई एस परमार, वानिकी विश्वविद्यालय के एक क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बजौरा के वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल हुआ है। 1 किलो सेब से करीब 750 रुपए की कमाई होगी। आलू के चिप्स की तरह ही इसकी पैकिंग होगी। आधा किलो चिप्स के पैकेट की पैकिंग देखने में आकर्षक होगी। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट स्थानीय भाषा में शकोरी से लिया गया है। होली में कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। होली तहसील के तहत देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई तथा 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चार लोग पेशे से अध्यापक हैं तथा त्यारी पुल की तरफ से होली की ओर जा रहे थे कि त्यारी पुल के समीप अनियंत्रित होकर गाड़ी नीचे लुढ़ककर रावी नदी के किनारे पहुंच गई। इस घटना में एक अध्यापक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य अध्यापक गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 2 को चंबा रेफर कर दिया गया है, जबकि 1 की हालत थोड़ी ठीक बताई जा रही है। मृतक की पहचान दरीप निवासी सिरेनाग राग के रूप में हुई है। शिमला में एक हफ्ते से लगातार भूस्खलन, रुक गए वाहनों के पहिए, लोग परेशान। शिमला में एक सप्ताह से लगातार हो रही वर्षा के कारण जगह जगह भूस्खलन से रास्ते अवरुद्ध होने से जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने क्रॉसिंग के समीप मार्ग को तो खोल दिया है, लेकिन लोगों में ये भय बना हुआ है कि वर्षा से कभी भी स्थान पर भूस्खलन हो सकता है। इस कारण पैदल चलने वाले लोग भूस्खलन संभावित स्थान से बड़ी सतर्कता के साथ निकल रहे हैं। वहीं वाहन चालक भी स्थान पर फंस रहे हैं, जिससे यहां पर ट्रैफिक जाम लग रहा है। वहीं चक्कर मार्ग पर प्रेस के समीप भी भूस्खलन का क्रम जारी है। लोगों ने भूस्खलन रोकने के लिए तिरपाल लगाए हैं, लेकिन बरसात होने के कारण यहां पर खतरा बना हुआ है।